समाज खासी राम बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक जीतचंद राम जी भी हमारे बीच में हैं और वो अधिवक्ता भी हैं। आइए हम उनसे जानकारी लेते हैं, जो ये प्रकरण चल रहा है इसका क्या तात्पर्य इस प्रकरण के, क्योंकि अधिवक्ता है। मैंने पहले बोला है कि जो ये रासुका लगाई है ये किस कारण लगाई है। जीतचंद राम जी, आप बहुत अरसे से एक वकालत भी कर रहे हैं और समाज की सेवा भी कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा संगठन काशी राम बहुजन समाज पार्टी चला रहे हैं। मनोहर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि समाज के जो भी युवा या जो भी संगठन काम करता है, ये मनुवादी सरकार और उसके समर्थक लोग उसको किसी न किसी स्तर पे कानूनी के जाल में फंसा देते हैं। जब मिस्टर चंद्रशेखर जी, जो समाज के संघर्ष के खिलाफ पूरे समाज की आवाज़ बने और उन्होंने विरोध किया सामाजिक संगठन करके, युवाओं को एकत्रित करके, वो जुल्म के विरोध में उन्होंने विरोध किया और उनको जो समाज का काम कर रहा है, जो राष्ट्र निर्माण कर रहा है, उसी को राष्ट्र का बंद कर रहे हैं। अभी हमारे जय भगवान जाटव जी ने बताया कि यदि रस का बनता था तो जब 4 महीने पहले घटना घटी तब बनना था। जब माननीय उच्च न्यायालय ने उनको सारे धाराओं में जितनी भी धाराएं लगी थी उनमें उनको जमानत दे दी, तो जमानत के होने के बाद फिर राज्य सरकार की नीयत कितनी छोटी है। वह एक हमारे नौजवान साथी से घबरा रही है कि उसको रासका में निरुद्ध कर रही है। रासका के लिए अलग मानक है, रासका के लिए जो है कि राज्य स्तरीय कमेटी है उसके अलग मानक हैं। ऐसा कोई कृत्य हमारे चंद्रशेखर आज़ाद ने नहीं किया था और यदि सरकार अपने रासका को लगाए आदेश को वापस नहीं लेती है तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश नहीं, संपूर्ण भारत के नौजवान चंद्रशेखर आज़ाद को प्रतीक मानते हुए, चंद्रशेखर रावण को हमारा प्रतीक मानते हुए, ये जुल्म जास्ती के विरोध में युवाओं का संघर्ष है, राष्ट्र का संघर्ष है, सामाजिक आंदोलन है। प्रतीक कोई भी हो सकता है और ये सरकार को महंगा पड़ेगा यदि तत्काल उसको राष्ट्र का नहीं हटाई गई और उसको छोड़ा नहीं गया चंद्रशेखर आज़ाद को। तो सारे संगठन, देश के जितने भी संगठन हैं जो अम्बेडकरवाद को इस देश में स्थापना करना चाहते हैं, मानववाद को स्थापित करना चाहते हैं, सब एक बैनर तले होके सरकार के खिलाफ, जुल्म जास्ती के खिलाफ संघर्ष करेंगे। ये मेरा आपके माध्यम से संदेश है।